नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, इस एपिसोड को। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, वर्तमान में हमारे देश की कंडीशन बहुत खराब चल रही है। तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है देश के लिए, वैक्सीन नहीं लग पा रही है, बहुत बुरी कंडीशन में है अपना देश। अभी हर राज्य में कोरोना बहुत दुगनी तेजी से फैल रहा है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, घर पे रहो, कुछ दिन दुख पालेंगे। अगर हम कुछ दिन दुख पालेंगे तो हमारे आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा। वैसे ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आपको ये चीज़ समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सब कुछ पहले से जानते हो कि क्या हमारे लिए अभी के टाइम पे क्या हमारे लिए सही है और क्या करना हमारे लिए गलत है। दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है, घर पे रहो यार, सुरक्षित रहो। मैं ये चीज़ भी मानते हैं हम सब की यार, इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से देश में बेरोजगारी छा गई है, काफ़ी काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। अब भी हमारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन अगर हम इस मुश्किल टाइम में अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो हमारे आने वाला कल काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों देखो, ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं बांटता, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे यार ज्ञान क्यों दे रहा है। दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान मुझे है भी नहीं और मैं ज़्यादा ज्ञान आपको दूंगा भी नहीं, क्योंकि आप सब समझदार हो मेरे से ज़्यादा, मेरे से बड़े हो, छोटे भी हो तो भी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। दोस्तों, मेरा मतलब यह है कि अभी सुरक्षित रहो, घर पे रहो, कोरोना फैल रहा है, जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वापस हमारी ज़िंदगी वैसे पहले जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर रोज एक सेकेंड बाइक का वीडियो लाते थे, और वो जो सेकेंड बाइक्स होती थी वो होती थी डीलर्स की बाइक होती थी। कोई कोई बाइक होती थी जो ओनर्स की भी होती थी, लेकिन ज़्यादा बाइक्स हमारे सेकेंड बाइक डीलर्स की हुआ करती थी। और अभी आपको पता है राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो डीलर्स की शॉप भी ओपन नहीं है, शॉप भी उनकी क्लोज है, दुकानें बंद है, शोरूम उनकी खुल नहीं रही है, तो उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है और बाइक की हमारे पास कोई डिटेल नहीं आ रही है। तो जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक मैंने सोचा है कि वीडियो तो मैं रोज़ रात 8 बजे आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन हो सकता है वो वीडियो सेकंड बाइक से रिलेटेड ना हो, अन्य कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन होगा वो बाइक से रिलेटेड ही, जैसे कि बाइक की किस प्रकार सर्विसिंग क्या होनी चाहिए, क्या नहीं, क्या अपकमिंग अपडेट्स बाइक के बारे में मैं आपको देता रहूँगा। अपडेट्स का मतलब मेरा यह है कि जैसे अपकमिंग बाइक्स कौन सी लॉन्च होने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, और हो सकता है बीच बीच में सेकेंड बाइक का वीडियो भी आ जाए, लेकिन अब कम आएंगे, जब तक कि लॉकडाउन लग रहा है ना, तब तक आपको कम वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको नई बाइक की जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है, मैं आपको आज के वीडियो में बताना चाहूँगा कि हमारी बाइक की सर्विस किस टाइम करवानी चाहिए और कहाँ पर करवानी चाहिए। दोस्तों, औसतन मेरे हिसाब से सब लोग अपनी बाइक की सर्विसिंग 3-4 महीने में करवाते हैं, कुछ लोग किलोमीटर के हिसाब से करवाते हैं, कुछ लोग टाइम के हिसाब से करवाते हैं। दोस्तों, मेरा ओपिनियन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस हिसाब से मैंने बाइक चलाई है, मेरे पास जो बाइक है, मैं उसकी सर्विस कैसे कराता हूँ और कहाँ से करवाता हूँ। दोस्तों, वर्तमान में मेरे पास है सन 2010 मॉडल की सीडी डिलक्स बाइक, जो कि मतलब मेरी क्या घर वालों की है, लेकिन घर वाले भी अपने ही हैं तो बाइक भी अपनी ही है। तो हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं ना, उसकी सर्विस हो जाती है, आपके हिसाब से वो बाइक कितने किलोमीटर चल गई होगी? 2010 मॉडल है, आज सन 2021 चल रही है, तो आप सोचोगे 1-1.5 लाख, लेकिन मैं कहूँ कि वो बाइक चल चुकी है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में, और उसका इंजन का काम अभी तक नहीं हुआ,
इंजन उसका खुला तक नहीं। मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यही हकीकत है। लेकिन दोस्तों मैं मेरी बाइक की सर्विसिंग हर 1500 किलोमीटर चलने के बाद ऑयल चेंज करवा देता हूँ, एयर फिल्टर की सफाई करा देता हूँ, कंप्लीट सर्विसिंग करा देता हूँ। अगर आप अपनी बाइक की 1500 से लेकर 2000 के बीच में सर्विस कराते हो तो आपकी बाइक अगर आपके पास कोई ओल्ड बाइक है ना और आपकी उसकी सर्विसिंग तो आपको 2010 से पहले का मॉडल है ना, तो उसकी सर्विसिंग तो आपको औसतन 1500 किलोमीटर के बाद करवा देनी चाहिए क्योंकि उसके पार्ट्स थोड़े पुराने जाते हैं। तो नई बाइक होती है जो अभी 2015 के बाद की या उससे पहले की बाइक्स में आपको 2000 से लेके 2500 के बीच में उसकी सर्विस करा देनी चाहिए। दोस्तों आप अगर इस प्रकार सर्विस कराते हो ना तो आपकी बाइक 4 से 5 लाख तक आराम से चलेगी, उसका इंजन का काम कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और आपको एक बात बोलना चाहूँगा, देखो ये बात बोलने से पहले मैं आपको बोलूँगा, जितने भी मैकेनिक है जो अपनी शॉप लगा के रखते हैं मार्केट में, देखो भैया उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, जो हकीकत है मैं आपसे वो बता रहा हूँ। और ये चीज़ भी हर मैकेनिक के ऊपर नहीं है कि हर मैकेनिक ऐसे ही करते हैं, ये जो मैकेनिक होते हैं, कुछ मैकेनिक होते हैं 100 में से 10% मैकेनिक ऐसे ही होते हैं, वो क्या करते हैं, आप सर्विस के लिए गार्डन के पास छोड़ देते हो ना तो वो जो ऑयल डालते हैं ना सर, वो ऑयल वो डाल देते हैं, 90 रुपये लीटर आता है ऑयल, वो आपकी गाड़ी में डाल देते हैं जो कि आपकी गाड़ी को ख़त्म कर देगा वो ऑयल। मतलब मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं है कंपनी वालों से कि कंपनी वालों ने मुझे बताया है कि मैं ये वीडियो, देखो जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। आपकी गाड़ी कोई सी ब्रांड की हो, चाहे होंडा की हो, चाहे हीरो की हो, चाहे टीवीएस की हो, चाहे बजाज की हो, आपको उसकी सर्विसिंग करानी चाहिए, कंपनी से ही करानी चाहिए। हाँ वो कंपनी का ऑयल डालते हैं सारी चीज़ें में, बहुत बढ़िया गुड सर्टिफाइड सर्विस करते हैं। सन 2010 से लेकर 2021 तक आज तक मेरी बाइक की सर्विस कोई एक आध की नहीं बोलता, कंपनी में ही उसकी सर्विस होती है। दोस्तों देखो मैं तो आपको एक ओपिनियन बता रहा हूँ मेरा खुद का, मेरी बाइक चल चुकी है 2.5 से 3 लाख के बीच में और अभी तक उसका इंजन काम नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सर्विसिंग हो जाती है 1500 किलोमीटर चलने के बाद। अगर आपके पास ओल्ड बाइक है 2010 का मॉडल है तो आप उसकी सर्विसिंग करा दीजिए, 1500 किलोमीटर के बाद आप उसकी सर्विस करा दो, आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नई गाड़ी है तो उसकी भी 2000 से 2500 के बीच में सर्विस करा दो, आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंपनी की इस कंपनी में सर्विस कराओ यार, जितना चार्ज थोड़े से 150 रुपये ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आप मैकेनिक से बाहर कराते हो कंपनी से कराते हो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, 150 रुपये का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क कभी नहीं आएगा। दोस्तों पार्ट्स भी ओरिजिनल कंपनी डालती है, तो आपको मेरा मतलब यह है, देखो ज़्यादा वीडियो लंबा तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, फिर आप भी बोर हो जाओगे, कंपनी से सर्विस कराओ। और ओल्ड बाइक 2010 से उससे पहले का मॉडल है तो 1500 किलोमीटर में सर्विस करा दो, आराम से चलेगी, नया मॉडल है तो 2000 से 2500 के बीच में सर्विस करा लो। क्योंकि मैं कंपनी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, कंपनी वाले चाकर भी आपके साथ गलत नहीं कर सकते, उनको रिकॉर्ड में सारी चीज़ें देनी पड़ती है, 150 रुपये ज़्यादा लेंगे लेकिन वो आगे आपको बहुत फ़ायदा दे देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों लाता हूँ कल एक और वीडियो, मिलता हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, जय हिंद जय भारत।